और खबर आ रही है इंदौर से, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग का विरोध करने पर छात्र से मारपीट की गई है। छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीनियर स्टूडेंट्स पर मारपीट करने का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां रैगिंग का विरोध करने पर छात्र से मारपीट की गई है और यहां पर छात्र को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीनियर स्टूडेंट्स पर मारपीट करने का यहां पर आरोप लगा है। खंडवा रोड स्थित विवेकानंद इंजीनियरिंग कॉलेज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। भारत पाटिल हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, बताया जा रहा है कि यहां पर रैगिंग का विरोध करने पर छात्र से मारपीट की गई है, क्या है पूरा मामला? हाँ बिल्कुल, बता दें आपको कि सिमरोल थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है ये खंडवा रोड स्थित विवेकानंद इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पर बताया जा रहा है कि ये छात्र की जमकर पिटाई की है, जिससे उसके सर में गंभीर चोटें आई है, जिसे निजी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि देशमुख करके युवक जो मित्र है छात्र का, उसके साथ रैगिंग हो रही थी और इसी का विरोध करने गए छात्र अनमोल के साथ सीनियर छात्रों में जो है मारपीट की गई है, जिसकी शिकायत पुलिस को की गई थी। फिलहाल मामला भी पंजीबद्ध कर लिया। कॉलेज मैनेजमेंट जो है उनका क्या कुछ कहना है? क्या कॉलेज में किसी तरह की एंटी रैगिंग कमिटी जो है उसका गठन किया गया था? क्योंकि रैगिंग के मामले से पहले भी आ चुके हैं और एंटी रैगिंग जो है वो गठन उसका होता है हर कॉलेज में, क्या उसकी तरफ से कोई कार्रवाई अब तक इस मामले में सामने आई? बिल्कुल, बता दें कि साफ तौर से कॉलेज प्रबंधक का कहना है कि जो घटना हुई है वो सामान्य मारपीट है, वो रैगिंग इसे मानने को तैयार ही नहीं है, लेकिन फिलहाल इसमें एंटी रैगिंग कमेटी जो है वो भी जांच कर रही है, साथ ही साथ इसमें पुलिस जो है वो भी जांच कर रही है। अगर रैगिंग जैसा मामला होगा तो उसके खिलाफ भी जो है अपराध पंजीबद्ध होगा उन धाराओं में।